अरे सिंपली गाइस, वीडियो आप काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस आईओसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ, इसके जो है प्रीलिम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट इसके जो है मेंस के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस जो है कई सारे बंदे ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो है कटऑफ कितना तक जा सकता है, तो इसका कटऑफ जरूर आप बताइए। तो गाइस जो है मैं जो है 3 डे से जो है एनालिसिस किया हूँ, तो मेरे को जो कट ऑफ देखने को मिला है, तो मैं इसी कट ऑफ को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से जो है कट ऑफ है, जो है प्रीलिम्स के लिए कितना तक कट ऑफ जा सकता है, इसके लिए जो है ओआईसीएल के लिए, और उसके साथ साथ जो है मेंस के लिए कितना तक कट ऑफ जा सकता है, इसके क्या जो है इंफॉर्मेशन है, और इसका जो है एग्जाम पैटर्न का क्या प्रोटोकॉल होता है। तो गाइस जो है इसी वीडियो में हेड टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो ओके गाइस, तो आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अनकम्प्लीट वीडियो देखने से कोई फायदा है नहीं, इससे अच्छा है कि आप इसी पर दूसरे वीडियो पे चले जाए। तो ओके गाइस, तो चलते सबसे पहले बात कर लेते हैं पर ओआईसीएल के जो है प्रीलिम्स के कट ऑफ पे। तो मैं देख पा रहा हूँ अपने पीसी में, इसके लिए जो प्रीलिम्स के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और सिंपली जो है जनरल चाहे यूआर के लिए जो है 75 से 85% तक जा सकता है, और ओबीसी का जो है 70 से 80% तक इसका जो है जा सकता है, और एससी के लिए जो है 60 से 70% तक इसका कट ऑफ जा सकता है ओनली प्रीलिम्स के लिए। फिर आफ्टर दैट जो है एसटी के लिए 60 से 70% तक इसका जो है कट ऑफ जा सकता है। इसमें जो है सिंपली गाइस अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है मेंस की क्या कट ऑफ का प्रोसेस बनता है, तो जो मेंस का जो कट ऑफ होता है यूआर और जनरल का जो कट ऑफ होगा, इसमें 145 से 150 तक इसका जा सकता है। इसमें गाइस मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है 5 of 10 का इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग इसको मैच करा के देख लीजिएगा। ओके गाइस, फिर हम बात करेंगे जो है ओबीसी के लिए, तो ओबीसी का जो है 130 से 140 तक इसका जो है एक्सपेक्टेड में कट ऑफ जा सकता है। फिर हम बात करेंगे जो है एससी के लिए, तो इसका जो है 120 से 130 तक इसका एक्सपेक्टेड में जा सकता है, और एसटी का जो है 120 से 130 तक इसका जो है एक्सपेक्टेड में कट ऑफ जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है मैं इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेता हूँ कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या डिमांड किया गया है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देखने को जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, इसमें जो है इसकी जो एज क्राइटेरिया 21 से 30 तक है, इसमें जो पोस्ट वाइज जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप अकाउंट्स के लिए अगर पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम 20-60% के प्लस आपका जो है परसेंटेज होना चाहिए, और उसके साथ या तो आप एमबीए फाइनेंस किए हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंट है तभी जो है अकाउंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। फिर आफ्टर दैट बात कर लेता हूँ सेकंड पोस्ट के लिए, तो सेकंड पोस्ट में जो देखने को मिलेगा जो है एक्चुअरी मिलेगा, तो इसमें जो है बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री का जो डिमांड किया गया है, और इसमें जो है अगर इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर में जो है बैचलर डिग्री मास्टर इंजीनियर डिग्री या तो इसको हम एमटेक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या गया ऑटो मोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल और केमिकल पावर इंडस्ट्रियल, इसमें भी जो है 60% मार्क्स होना वेरी वेरी मैंडेटरी है, तो आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा। और फिर हम बात करेंगे जो है इंजीनियरिंग आईटी के लिए, तो इसमें जो है अगर आप बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से है चाहे आईटी से है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तभी जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं है? तो इसलिए जो है इसमें मतलब कि आपके जो पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग से आपके पास जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो जैसे ही आपके पास एलिजिबिलिटी है ऐसे पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो है कट ऑफ के बारे में बता दिया और पोस्ट के भी बारे में बता दिया जिसमें जो हमारे से पूछा गया था, तो बस इतना ही है। तो गाइस जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। अगर आपको अगर वीडियो अट्रैक्टिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें कमेंट करें, अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट नए टिप्स नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।